हे गाइस इट्स मी अनसेंड। आज की वीडियो में आप लोग लेंगे कि हमारा जो मी 3 डिवाइस है, इस डिवाइस में मैंने जो कल एक वीडियो बनाई थी उसमें बहुत से लोगों ने बोला था कि ऑक्सीजन ओएस चाहिए हमारे डिवाइस में विदाउट रूट। सो आज की वीडियो में आप लोग ले आऊँ कि हमारे जो मी 3 डिवाइस है इसमें ऑक्सीजन ओएस का सेटअप मैंने इंस्टॉल कर रखा है। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये ऑक्सीजन ओएस का जो सेटअप है हमारे मी 3 में इंस्टॉल्ड है, जैसा कि आप सब देख ही सकते हो। यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में आपको जाकर दिखाऊँ तो आप देख लो, यहाँ पर हमारा सिस्टम है। हम लोग एक बार जाते हैं, और यार आप लोगों को ये वीडियोस पूरी देखनी ही पड़ेगी, वरना आप लोग इसका सेटअप नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ये सिंपल लॉन्चर नहीं है, ये मैंने इस टाइम नेक्स्ट मतलब कोई और लॉन्चर यूज़ करा है, और उसमें आप लोगों को काफ़ी सारे अलग फीचर्स मिलते हैं। आइकन पैक भी मैंने 2 आइकन पैक लगाए हैं। सो उनको आप लोगों को कैसे पोर्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ पर ये जो नेवर सेटल का ये विडजेट है ना, ये तो आप लोगों को मेन देखना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा बता देता हूँ। सो चलते हैं हम यहाँ से वीडियो की तरफ, और ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे ये व्यूवर की तरफ से। सो आपको भाई एक बिग शाउट आउट है मेरी तरफ से। और अगर आप लोगों को भी कोई वीडियो बनवानी तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, अगर वो सेटअप होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर कर दूँगा आपके मी 3 डिवाइस के लिए। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएंगी ऐप्स की, वो आप लोगों को जाके इंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस ये 4 ऐप हैं, इन चारों ऐप के आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है, वहाँ से आप लोगों को ये सारे ऐप्स मिल जाएंगे। सो इसमें से 2 ऐप तो पेड हैं और 2 फ्री हैं। तो जो फ्री वाले हैं वो सिंपल प्ले स्टोर की लिंक होगी, और जो पेड है उसके लिए अलग लिंक होगी, तो आप लोग वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर जाना है लॉन्चर ऐप में। ये ऐप में हमारा ये होम स्क्रीन का सेटअप है। सो अभी आप ऐप का आपका इस टाइप का नहीं आएगा, आपका ये ऐप आएगा कुछ। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको रीस्टार्ट करके एक बार। सो गाइस आपका जो लॉन्चर ऐप है वो कुछ इस टाइप का आएगा। आप लोगों का एकदम स्टॉक जैसा होता है आपका फ़ोन वैसे ही लगेगा, बट यार ये लॉन्चर है। अगर हम इसको ओपन करें तो ये इस टाइप का आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या, आप लोगों को सिंपल जाना है सेटिंग में। तो होम सेटिंग में जाना है, आप लोगों को थीम में जाना है, यहाँ पर आइकन पैक्स में आना है। वो दोनों जो आप लोगों ने आइकन पैक्स इंस्टॉल कर दिए ना, उनको यहाँ पे स्लाइड करके ऊपर करना है। सो दोनों ऐप, दोनों आइकन पैक है ना, वो दोनों आपके डिवाइस में अप्लाई होंगे। सो वो दोनों ऐप आइकन पैक जो आपके डिवाइस में है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो आधे जो आइकन पैक्स इस आइकन पैक में है नहीं, वो इस वाले आइकन पैक से बाय डिफ़ॉल्टली लग जाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बैक आएँ तो आप लोगों को आइकन सेव बाय सेट बाय सिस्टम करना है। अगर आपके सिस्टम में ऐसे वाले आइकन लगे होंगे तो आपके होम पे भी वैसे ही आइकन आएंगे। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बैक आना है, देन इसके बाद आप लोगों को डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर ऐप लॉन्च ट्रांजेक्शन है, इसको आप एंड्रॉयड पाई पे कर दो, या फिर आप लोग कोई सा भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से एंड्रॉयड पाई और रिवील ये दोनों अच्छे हैं। देन आप लोगों को ये वाला ऑप्शन कर लेना है हाइड स्टेटस बार। हाइड स्टेटस बार करोगे तो मैं आप लोगों को एक बार बैक करके बताता हूँ यहाँ से। ये हाइड स्टेटस बार करोगे तो आप लोगों का जो होम स्क्रीन पे हाइड स्टेटस बार ना, वो एकदम हाइड हो जाएगा। सो इसके बाद अब आप लोगों को वो आइकन पैक आपका सेट हो गया। आप लोगों को यहाँ पर यहाँ से तो हटेगा नहीं आइकन ये सर्च बार। सो आप लोगों को वापस से यहाँ पर जाना है, आप लोगों को डॉक में जाना है। देन आप लोगों को डॉक में जाने के बाद सो सर्च बार को ऑफ कर देना है। सो आप लोगों का यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अब आप लोगों को एक बार एक चीज़ और करनी है, सिस्टम में जाना है, डिफ़ॉल्ट सर्च करना है। डिफ़ॉल्ट सर्च करोगे तो डिफ़ॉल्ट होम ऐप में जाना है, लॉन्चर को आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट कर देना। अब आप लोगों को यहाँ पर जो क्लॉक विडजेट था वो लगाना है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर विडजेट्स में जाना है और KWGT का 4:1 वाला सेलेक्ट करना है। 4:1 को आप लोग सेलेक्ट करोगे तो ये ऐसा आएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा इनलार्ज कर लो। यहाँ पे वापस से जाओगे तो जो मैंने आप लोगों को एक और ये आला था ना, इन ये आला KWGT का, तो यहाँ पे आप लोगों को जाना है। यहाँ पे आप लोगों को एक नेवर सेटल का ये मिलता है, देन आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा लेयर पे जाना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। देन आइटम में जाना है, पहले वाले पे क्लिक करना है यूं करके। आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, आइटम पे जाना है, ओवरले ग्रुप में जाना है, पहले वाले को क्लिक करना है। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है पोजीशन में। सो पोजीशन में आप लोगों का इसका ऑक्सफिट जो इसका आप लोग यहाँ पर ये टी पेंडिंग है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा नीचे कर दो, सेव कर दो, या आप लोगों का ऐसा आ जाएगा।
है ना। सो ये नेवर सेटल का ये भी आ गया अब आपके डिवाइस में। अब आप लोगों को यहाँ पर सिंपल है, आप लोगों का जो गूगल वाला सर्च बार होता है वो लगाना है। सो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल से गूगल का जो सर्च बार होता है वो लगाना है। देन आप लोगों का ये सब यहाँ पर यूं हो गया। देन ये सब तो हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को एक दो चीज़ें और करनी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो आप लोगों का ये अभी अच्छा लग रहा है, बट आप लोगों को यहाँ पे वॉलपेपर्स भी मेन चीज़ होती है। सो वॉलपेपर्स के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर जाना है ऑक्सी इस वाले आइकन पैक में। यहाँ पर जाना आप लोगों को इस वाले आइकन पैक में ना 9000 से भी ज़्यादा आइकन पैक आइकन्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। वैसे ऐप है ना जो प्ले स्टोर पे पेड है, बट मैंने आपको इसकी जो फ्री लिंक है वो प्रोवाइड करवा दी है। सो आप लोगों को यहाँ पे साइड में 3 बार मिलते हैं, इनको जाना है यहाँ पे वॉलपेपर्स में जाना है। सॉरी वॉलपेपर्स में जाना है आप लोगों को। वन प्लस के सारे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला वॉलपेपर है, इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं होम स्क्रीन, आपको सेलेक्ट करना है तो आपका होम स्क्रीन में अप्लाई हो जाएगा। सो ये देखो ऑक्सीजन ओएस का ये होम स्क्रीन सेटअप आपके डिवाइस में लग चुका है। अब इसके बाद आप लोगों को वापस से यहाँ पर सेटिंग में जाना है, आप लोगों को डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप में जाने के बाद आप लोगों को लॉक डेस्कटॉप कर देना है, लॉक डेस्कटॉप करना है। देन इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और करनी है, वाइड विडजेट्स आपको क्लिक कर देना है। सो वाइड विडजेट्स क्लिक करोगे तो आप लोगों का थोड़ा ऐसा आएगा। अब आप लोगों को इसमें एक चीज़ और करनी है ऐड, और गाइज इसका आप लोग अगर होम यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आप ज्वाइंट हो तो आप लोगों को ये वाला सेटअप लगा के एक स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना है, ताकि सबको विश्वास हो जाए कि आप लोगों ने लगा लिया। यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और आप लोगों को यहाँ पर ना जो सिस्टम नेविगेशन बाहर है इसको आप लोगों को ये बटन वाले करने की, क्योंकि वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है उसमें बटन वाले ही होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन सेटअप में एक बार बस एक लास्ट बार आना है, अब यहाँ पे थीम में आना है आप लोगों को। देन अपेयरेंस में आप लोगों को अगर डार्क थीम अच्छी लगती है सेट बाय सिस्टम आप लोगों को कर देना है। देन यहाँ पर आप लोग जैसे ही यहाँ पर डार्क मोड इनेबल करोगे ना, इसमें भी आप लोगों को डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। बस ये चीज़ लास्ट है, इतना और करना है आप लोगों को। जैसे ही आप लोग अपने सिस्टम में यहाँ पे जैसे मैं हटाता हूँ सिस्टम, आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को डार्क थीम जैसे ही इनेबल करोगे आप लोगों का वापस ऑक्सीजन ओएस का डार्क थीम लग जाएगी। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूँ कैसे क्या है। थीम में जाना है, अपेयरेंस में जाना है, डार्क थीम में जाना है, सेट बाय सिस्टम कर देना है, या फिर आप लोग शेड्यूल डार्क एट नाइट भी कर सकते हो। इसमें अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों का जैसे ही रात होगी वैसे ही ऑटोमेटिकली डार्क मोड इसमें इनेबल हो जाएगा, है ना। अब आप लोग बोल लोगे सिस्टम वाला हटा नहीं है इस, ये क्योंकि हमारा गूगल का है तो गूगल का वो डार्क थीम के हिसाब से ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ऑल टाइम कर देना है यहाँ पे। सो ऐसे करके आप लोगों का जो ऑक्सीजन ओएस का होम सेटअप है आपके डिवाइस में लग जाएगा काफ़ी अच्छे से। और अगर हम लोग यहाँ पे लॉक स्क्रीन की बात करें और है ना, और अगर आप लोगों को ये हाइड स्टेटस बार वाला ऑप्शन अच्छा नहीं लगा तो आप लोगों को वापस से जाना है सेटिंग में, होम सेटिंग में जाना है आप लोगों को, डेस्कटॉप में जाना है, यहाँ पे हाइड स्टेटस बार को बंद कर देना तो आप लोगों का जो स्टेटस बार है वो आ जाएगा। बट मुझे तो स्टेटस बार हाइडेड ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सो वो आपके ऊपर। और एक चीज़ और वो मैं भूल गया था, आप लोगों को यहाँ पर आना है। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ। डॉक में आना है, डॉक में आने के बाद आप लोगों का ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था, डॉक में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सो एरो का। सो एरो को आप क्लिक कर दोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी एरो आ जाएगी, शायद आप देख ना पा रहे हो बट आप लोगों को यहाँ पे छोटी सी एरो आ जाएगी। यार ये ऑक्सीजन ओएस का बहुत अच्छा फीचर है, और आपको मैं बताता हूँ अगर आप लोगों को कोई आइकन अच्छा नहीं लग रहा उसको चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ऑक्सीजन ओएस के इसमें क्लिक कर सकते हो, या फिर आप लोगों का ये वाला। सो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल करना है कैमरा सर्च करना है, कैमरा सर्च करा है, यहाँ पे कैमरे के आइकन्स आ जाएंगे, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई सा आइकन अच्छा नहीं लग रहा हो आप उसको मैन्युअली सेट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और गाइस एक बात और, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।